ये बड़ी है, ये तो पहले से मैं आप सब बहरा लगा हाँ, पहले तुम लोग क्लियर करे तो हम लोग ला लेते सब लेके निकलना सब इसको दी जा रही है अफजल सागर मानवाड़ बस्ती के अंदर एक घर में बच्चियाँ चार सो रहे हैं। उसके बिल्कुल बाजू की एक नई दीवार घर वाले कमोड के लिए उठाई है। वो वाल जो थी वो इमीडिएट कच्ची रहने की तरफ से वाल की गई, जिसमें बच्चियाँ चार बच्चियाँ जो सो रहे थे, तीन बच्चियाँ एक बच्ची तक इमीडिएट इंतकाल हो गया था और दूसरों दो बच्चियों को नीलों पर हॉस्पिटल लेके आए थे। उन लोगों के भी डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, उसके बाद तीन बच्चियाँ मर गए। एक बच्ची उस्मानिया हॉस्पिटल में जेरे इलाज है। ये हादसा एक बहुत दुख भरा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, जिस तीनों बच्चियाँ एक ही माँ बाप के बच्चियाँ हैं। ये बड़े एक्चुअली वो पुरानी घरा है, वर्ल्ड घरा है। ये एक्चुअली देखने का तो लापरवाही हुकूमत हमारे तेलंगाना की है। लापरवाही करने से इससे पहले भी नोटिस दिए थे उन लोग कि घरा खाली करो बोल के, और बोल के भी नोटिस दे के भी उन लोगों का अभी एक्शन नहीं लिए थे। उसमें हमारे कलेक्टर साहब, एमआरओ साहब, आरडीओ साहब का भी आज क्या हुआ, आज उन्होंने जो है घर में बच्चों को सोने रख दिया, धाड़ बोल के आके दीवार गिर गए। बस कौन किसका किसका देते हुआ, ये रोशनी का, पवनी का, सारिका का, तीनों की एज क्या है? तीनों रोशनी की 6 ईयर है, रोशनी की 6 साल, पवनी की 4 साल और सारे का की 4 मंथ। उस्मानिया में जो एडमिट है उनका, और वो बच्ची का जो है दो उंगलियाँ कट गए थे, चलो का क्या छोटे छोटे बच्चे पूरे ठीक है। एक एक आदमी आके कुछ भी नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है। ये दीवार है ना, ये दीवार उधर सेल्फ बन गया है, वो सेल्फ गिर के ये इधर इधर बच्चा सो गया है, इधर इधर बच्चा ఏం చేస్తామన్న